हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन स्टडी फ्रेंड्स देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा का कुछ प्रोग्राम का जो कि आपका मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो चुका है ओके okay, तो यहां पर आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट में आप सब कुछ चेक कर सकते हो एडमिशन सेक्शन में यहां पर आपको जाना है एडमिशन फॉर यू जी पी एंड रिसर्च प्रोग्राम ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर आपका आ गया है कुछ प्रोग्राम का जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे जो कि एम एस सी एंथ्रोपोलॉजी हो गया एम एस सी इन दी बायोडावर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एम ए इन दी ओडिया एम ए इन दी संस्कृत एंड एम ए इन दी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन तो इन प्रोग्राम का जो कि आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पर आ गया देख सकते हो डाउनलोड मेरिट लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर का ये आपका नोटिस रहेगा तो यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट सब कुछ देख सकते हो फॉर्म का नंबर है नेम ऑफ द एप्लीकेंस कैटेगरी एडमिशन कैटेगरी और एकेडमिक मेरिट इंडेक्स तो इस तरीके से जो कि है स्टूडेंट्स का दिया गया है ओके नेक्स्ट यहाँ पर जो किया आपका यहाँ पर आप सभी का देख तो दोस्तों नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव टू अपियर इन पार्सन फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन जो कि आपका रहेगा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन रहेगा एज पर द शेड्यूल गिवेन विलो द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू फॉलो द कोविड नाइनटीन गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इट इज ऑल्सो एडवाइज टू रिपोर्ट पॉजिटिवली टू द कंसर्न हेड इन चार्ज ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑन शेड्यूल डेट एंड टाइमिंग विद ऑल डॉक्यूमेंट्स प्लीज रेफर द लिस्ट ऑफ़ द डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड द सीट एलोकेटेड टू देम विल बी ट्रीटेड एज कैंसल तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको दिया गया है लिस्ट में सब कुछ यहाँ पर आपको लेना है ओके तो शेड्यूल यहाँ पर हम देखेंगे तो एम एस सी इन दी एंथ्रोपोलॉजी का यहाँ पर आप देख सकते हो वेन्यू यहाँ पर आपका दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा राइट तो अक्टूबर ट्वेंटी एट से लेकर आपका नवंबर तीन तारीख तक जो कि आपका यहाँ पर हो, होने वाला है सबको फिजिकल रिपोर्टिंग यहाँ पर आपको करना है जो की टेन थर्टी से लेकर फोर थर्टी तक यहाँ पर आपका रहेगा लिस्ट ऑफ़ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन जो कि देख सकते हो

एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपका समर्थ पोर्टल में जो भी आपको मिला है राइट right. नेक्स्ट जो कि आपका रहेगा सेकेंडरी सर्टिफिकेट जो कि आपका क्लास टेंथ का मार्कशीट रहेगा सर्टिफिकेट ऑफ द क्लास टेंथ रहेगा नेक्स्ट जो कि आपका प्लस टू का यहाँ पर मार्कशीट ग्रेजुएशन का मार्कशीट ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल ओके नेक्स्ट जो है कंडक्ट सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड ओरिजिनल प्लस वन सेट ऑफ द फोटो कॉपी राइट right, नेक्स्ट जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल प्लस वन सेट ऑफ फोटो कॉपी ट्रांसफर सर्टिफिकेट कलेज लिविंग सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल ओरिजिनल और यहाँ पर आपको एक जेरक्स भी यहाँ पर आपको लेना है नेक्स्ट जो कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया जैसे कि एस सी एस नॉन क्रिमिनल ई हो गया तो इस तरीके से सब कुछ यहाँ पर आपको लेना है पी हो गया यहाँ पर पी कैटेगरी कटेगरी कैटेगरी के लिए नेक्स्ट जो आपका कश्मीरी माइग्रेंट के लिए है नेक्स्ट जो कि आपका रहेगा डिफेंस कैटेगरी के लिए है सर्टिफिकेट ऑफ द रिप्रिंटिंग द इंटरनेशनल और नेशनल स्टेट लेवल और स्पोर्ट्स का यहाँ पर है ओके नेक्स्ट जो कि आपका एन एफिडेविट कॉपी ऑफ आंटी रेगिंग अंडरटेकिंग ओके तो यहाँ पर आपको आंटी रेगिंग अंडरटेकिंग फॉर्म भी लेना है बाय स्टूडेंट्स और पेरेंट्स थ्रू द यू जी सी पोर्टल यहाँ पर आपका जो है ओरिजिनल यहाँ पर लेना है और वन सेट ऑफ द फोटो कॉपी भी लेना है नेक्स्ट जो कि आपका रहेगा एफिडेविट डिटेल्स सर अवेलेबल इन ई प्रोस्पेक्टर्स ऑफ द सी ई ओरिजिनल प्लस वन सेल्फ अटेस्टेड राइट नेक्स्ट वक्त क्या आपका रहेगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ओके इफ अवेलेबल यहाँ पर बोला गया है आधार कार्ड बोला गया है और ब्लड ग्रुप तो इस तरीके से सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको लेकर जाना है ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या आपका रहेगा एडमिशन फी एक्सक्लूडिंग द हॉस्टल फी तो हॉस्टल फी को यहाँ पर आपका छोड़ के यहाँ पर आप देख सकते हो एमएससी एंथ्रोपोलॉजी का जो कि दिया गया है जनरल ओ बी सी एस सी एस टी ईडब्ल्यू एस कश्मीर माइग्रेंट डिफेंस वार्ड ऑफ डिफेंस यहाँ पर आप देख सकते हो पी डब्ल्यू डी हो गया यहाँ पर आप सब कुछ चेक कर सकते हो तो इस तरीके से सभी प्रोग्राम का यहाँ पर आप चेक कर सकते हो राइट इंपॉर्टेंट नोट इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स यहाँ पर आपको दिया गया है द एडमिशन लिस्ट आर फुली प्रोविजनल इफ़ एट एनी स्टेज एनी क्रीडेंशियल डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट आर फाउंड टू बी इनवेलिड और फॉल्स द एडमिशन विल ऑटोमेटिकली कैंसिल तो किसी भी तरीके के यहाँ पर आपका फॉल्स आता है तो यहाँ पर आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा द सी ओ विल वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ मार्क्सिट सर्टिफिकेट फ्रॉम इश्यूंग अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन कॉलेज इंस्टीट्यूशन तो सभी प्रकार का यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा ओके नेक्स्ट वो क्या है द कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू चेक देयर क्रेडेंशियल बिफोर द रिपोर्टिंग ऑफ द एडमिशन आर सब्जेक्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो सबको कुछ यहाँ पर आपको ओरिजिनल लेना है जो भी यहाँ पर आपका रहेगा ओके okay, तो एडमिशन फी कैन बी डिपिटेड आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ओके तो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद जो कि आपको एडमिशन फी यहाँ पर आपको डिपोजिट करना है द कैंडिडेट्स हु फेल टू प्रोड्यूस हिज और है डॉक्यूमेंट और कैटेगरी सर्टिफिकेट एक्सेट्रा और फेल टू डिपोजिट द फी इन द प्रस्क्राइब पीरियड तो एलोकेटेड सीट विल बी रिटर्न ऑटोमेटिकली नो सेपरेट नोटिस विल बी गिवेन फॉर कैंसलेशन ओके तो यहाँ पर जो कि आपका एडमिशन जो कि है यहाँ पर ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का जो कि कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा किसी भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप नहीं दे पाते हैं तो जो भी यहाँ पर आपको प्रेसक्राइब पीरियड दिया गया है जो भी टाइमिंग आपको दिया गया है ओके नेक्स्ट जो है नेक्स्ट एडिशनल मेरिट लिस्ट विल मै बी डिस्प्लेड अगेंस्ट द तो वैकेंसीड इफ एन इन सी ओ उड़ीसा वेबसाइट तो वेबसाइट में सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा इसलिए आप रेगुलरली वेबसाइट को विजिट करते रहेगा आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आए तो भी वैकेंसी यहाँ पर आपका रहता है तो नेक्स्ट यहाँ पर एडिशनल मेरिट लिस्ट आएगा राइट right फ्रेंड्स तो इस तरीके से बस सर यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिया गया है नोटिस दिया गया आप पढ़ सकते हो फिर रिफंड पॉलिसी जो कि आपका रहेगा यूजीसी का गाइडलाइंस के हिसाब से रहेगा ओके okay, तो यहाँ पर जो कि आपको एडमिशन हेल्प डेस्क दिया गया है मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप ई से भी यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो तो दोस्तों ये जो कि आपका एंथ्रोपोलॉजी का था इस तरीके से आप सभी प्रोग्राम का चेक कर सकते हो किस दिन जो कि आपका सब कुछ रहेगा ओके okay, दोस्तों तो दोस्तों ये था जो कि अपडेट जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा का था लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता दिए हैं इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स तो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग